नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार चिलकोरा में गरजा सरकारी बुलडोजर, 3 करोड़ की जमीन कराई कब्जा मुक्त, लोगों ने किया भारी विरोध। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए जाँच कराई गई थी, जिसमें कब्जे की सत्यता का पता लगा था। यहाँ करीब 2.5 घंटे की कार्रवाई में निर्माण को हटाया गया, पूरी जमीन को खाली करा दिया गया है। निजी बिल्डर ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके 2 गेट बना लिए थे, उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अलीगढ़ शहर के चिलकोरा में उसरा मरगट में दर्ज सरकारी भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। सोमवार को कोल तहसील की टीम ने जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। बुलडोजर से बाउंड्री वाल, गेट व प्लाट की नींव को ध्वस्त कर दिया है। करीब 2.5 घंटे तक ये कार्रवाई चली। यहाँ करीब 300 करोड़ रुपए की कीमत की 886 हेक्टर जमीन को मुक्त कराया गया है। SDM कॉल रविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें उच्च अफसरों से चिलकोरा में अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। क्षेत्रीय राजस्व टीम ने जाँच कराई, इसमें बड़े भाग में सरकारी जमीन पर कब्जा होने की जानकारी मिली थी। पता चला है कि मरगट, बंजर, ऊसर में दर्ज जमीनों पर अवैध कब्जा जमा रखा। इसी रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को यहां दोपहर करीब 2 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। दर्जन भर प्लाटों की नींव को उखाड़ दिया गया, सरकारी जमीन पर बने गेट को भी गिरा दिया गया। चिलकोरा में अन्नापुरम कॉलोनी के गेट और बाउंड्री वॉल को तोड़ने पर स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया। तर्क था कि कॉलोनी का ADA से नक्शा पास है, प्रशासन ने बिना किसी सूचना के गेट तोड़ दिए, ये पूरी तरह से गलत है। कॉलोनी के मालिक का पक्ष तक नहीं सुना गया। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TIN न्यूज़।